हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। एक लेख लेटेस्ट न्यू वीडियो को देखते रहिए, हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज दोस्तों हम आपके सामने ये थिंक लाइन है, तो आज हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, क्या कुछ होता है, कैसे चलता है, कैसे इसके अंदर जो काम होता है, वायर जाती है, मतलब करंट जो पास होता है, कैसे हो जाता है सब कुछ। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। यहाँ पर माउस लगते हैं, ये कहाँ पर सेट होती हैं, ये सब कहाँ पर रहती हैं, ये पिन कहाँ लगती हैं, ये वाली कहाँ लगती है, इसमें करंट का से ये बटन कैसे काम करता है, तो ये सब हम इस वीडियो में आज बताएंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं, और हम पहले इसके नेट खोलेंगे। सब कुछ तीन चार नेट हैं, चारों खोल लेंगे। पहले तो हम इसको स्क्रू के लिए खोलने के लिए पिचकस ले लेते हैं, और जल्दी से हम इस नट को खोलेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए। हमने चार मिनट खोल दिए हैं, आप देख सकते हो इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखो आप, इसके अंदर ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर ही सब कुछ काम होता है। आप देख सकते हो छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, ये चिपसेट का लगा हुआ है, जैसे ये है साइक्लोन का है, लगा हुआ है अल्ट्रा साइक्लोन है। और इसमें ये जो बत्ती है, ये लाइट चलेगी, जो मतलब ये जो क्रैंक होगा, जब लाइट आ जाएगी इसमें पता चल जाएगा कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दोस्तों इसमें ये कनेक्टिविटी है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर वाली, ये ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है। और दोस्तों और कुछ भी ये निकाल तो लेंगे, ये देखो ऐसे निकल भी जाता है पूरा, ये पीछे की प्लेट आप देख सकते हो, देखो ये पीछे की प्लेट है। और दोस्तों ये देखो ये बटन वाला हो गया, ये हमने सब कुछ आपके सामने खोल कर दिखा दिया है, ऐसा कुछ इसके अंदर इंटरफेस होता है। और ये जो छोटी छोटी हैं ये लगी हुई हैं, ये पावर के जनरेट करते हैं वगैरह। और ये छोटी सी चिप लगी हुई है यहाँ पर, और इसके ऑन ऑफ के लिए बटन का यूज किया जाता है, ये निकाल सकते हैं, ये देखो निकल गया है, ये ऑन ऑफ के लिए यूज होता है ये बटन। और दोस्तों इसके अंदर वैसे हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला है, हम इसको दोबारा लगा देते हैं, एक बार जो ये हमने लगा दिया है, ये कनेक्ट होती है, इसमें लाइट आ जाएगी, और इसके ज़रिए ही हम 6-7 कंप्यूटर के एक साथ ला सकते हैं। सभी कंप्यूटर के पास हम एक एक ये रखेंगे थिंक लाइन, और थिंक लाइन को रख कर हर एक स्क्रीनिंग कंप्यूटर जो भी स्क्रीन होती है उसको चला सकते हैं एक CPU के साथ। करीबन हम एक CPU के साथ करीबन 6 कंप्यूटर यानी 6 स्क्रीन चला सकते हैं इसके साथ ये रखकर। तो दोस्तों आज आप ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, चलो हम जल्दी से इसको बंद करके भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके।